नमस्कार, मैं हूं शाहबाज। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन एक्स कसाब हैंग, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की उस साजिश के अंत के बारे में जिसने 26/11 के हमले से मुंबई के साथ साथ पूरे देश को दहला कर रख दिया था और न जाने कितनों की जिंदगी में अंधेरा ला दिया था, लेकिन आज वही कसाब अंधेरे के आगोश में समा गया। छब्बीस ग्यारह मुंबई अटैक के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी गई है। कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल से पुणे की यरवडा जेल में शिफ्ट करके बुधवार की सुबह 7:36 पर फांसी पर लटकाया गया। फांसी के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने इसकी पुष्टि कर दी है और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी विस्तार से दी। दहशतवादी हल्ला केला होता। हा हल्ला देशावरचा हल्ला होता। या हल्ल्यामध्ये 166 निरापराध नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये आमच्या शहीद पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे। या हल्ल्याच्या वेळी 10 पैकी 9 आतंकवाद्यांना कंठस्नान घालण्यामध्ये सुरक्षा यंत्रणांना यश आलं होतं। एक आतंकवादी जिवंत पकडण्यात आला होता, त्याचं नाव होतं अजमल कसाब। विशेष सत्र न्यायालय मुंबई या न्यायालयामध्ये अजमल कसाबवर कोर्ट प्रोसिडिंग चालवण्यात आलं। सगळी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली। न्यायालयाने अन्य शिक्षेबरोबरच त्याला फाशीची शिक्षा दिलेली होती। ही शिक्षा हायकोर्टामध्ये आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये कन्फर्म झाली, कायम ठेवण्यात आली। त्यानंतर त्यानं दयेचा अर्ज केला होता, पण 8 नोव्हेंबर रोजी दयेचा अर्ज सुद्धा फेटाळण्यात आल्यानंतर आज सकाळी 7:30 अजमल कसाब या आतंकवाद्याला फाशीची शिक्षा। मुंबई पर 2008 में हुए 26/11 के आतंकी हमले के एकमात्र जीवित बचे पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को बुधवार की सुबह पुणे की यरवडा जेल में फांसी दे दी गई। कसाब को फांसी दिए जाने पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कसाब की याचिका 5 नवंबर को खारिज हुई थी। 8 नवंबर को ही कसाब को फांसी दिया जाना तय हो गया था, लेकिन उसे तब फांसी न देकर आज सुबह 7:36 पर पुणे की यरवडा जेल में फांसी दे दी गई। शिंदे ने कहा कि कसाब को फांसी दिए जाने के साथ ही उन्होंने 20 नवंबर के मुंबई हमला करने के मामले की न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली थी और कसाब को फांसी दिए जाने के बारे में पाकिस्तान को सूचित भी कर दिया गया था। साथ ही शिंदे ने कहा कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन ने पाकिस्तान की सरकार को पत्र के जरिए कसाब को फांसी दिए जाने के बारे में सूचित किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पत्र लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फैक्स से पत्र भेजा गया। सुबह 7:30 अजमल कसाब को यरवडा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी दी है। मुंबई का एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 10 आरोपी में से एक आरोपी मिल गया था, बाकी 9 लोगों को वहाँ खत्म हो गए थे। तो वो जो बचा था एक, उसकी कार्रवाई पूरी चली और राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटीशन किया गया। वो मर्सी पिटीशन हमने 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति जी को भेजा था होम मिनिस्ट्री ने। होम राष्ट्रपति जी ने
5 नवंबर को वो पेपर्स भेज दीजिए, दे दिए, और हमने सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था। और जैसे मैं इंटरपोल से आ गया रोम से, तो फाइल मेरे मेज पर थी। राष्ट्रपति जी ने 5 तारीख को सिग्नेचर की थी, 7 तारीख को मैंने सिग्नेचर कर दी और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। और उसी वक्त ये तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। वो कार्रवाई आज पूरी हो चुकी है सर। लेकिन क्या डेथ वारंट कोर्ट से जारी कराया गया था, ये प्रोसेस, और इतनी सीक्रेसी क्यों थी? इतनी सीक्रेसी हम इसलिए रखे थे कि कोई भी ऐसी चीजें होती हैं वो सीक्रेसी रखना जरूरी होता है। लेकिन मैं इस देश को मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास पेपर्स आ जाएगी जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई हो गई। क्या पाकिस्तान को बॉडी हैंड ओवर करेंगे या फिर दफना दिया गया है? वो कोई मांग लेते हैं, वो डिमांड करते हैं तो जरूर हम कर देते हैं, लेकिन डिमांड नहीं की गई है ऐसा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है? हमारे मिशन से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, एक्सटर्नल अफेयर से उनके पाक सरकार को बताया गया है, उन्होंने लेटर नहीं लिया तो उनको फैक्स से भी हम। हालांकि इससे पहले मंगलवार को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अजमल आमिर कसाब की दया याचिका को खारिज कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह के बाद यह फैसला लिया गया था कि दया याचिका खारिज होने के तुरंत बाद मंगलवार को कसाब को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से पुणे की येरवडा जेल में गुपचुप तरीके से शिफ्ट कर दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि येरवडा जेल में फांसी देने का इंतजाम है। हालांकि उसकी फांसी बुधवार सुबह 7:30 बजे तय की गई थी, जिसे तय समय पर अंजाम दे दिया गया। वहीं 25 वर्षीय कसाब को जनवरी 2008 से ऑर्थर रोड जेल में रखा गया था और कसाब उन 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों में से एक था जिन्होंने समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल होकर 26/11 के हमलों को अंजाम दिया था। और इस हमले में लगभग 166 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। हमला करने से पहले इन आतंकवादियों ने गुजरात कोस्ट से एक भारतीय बोट को हाईजैक करके उसके कैप्टन को भी मार दिया था। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा बीजेपी के नेताओं ने, आखिर उन्होंने कसाब की फांसी पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और अगर बात करें बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देर आए दुरुस्त आए। गया दुरुस्त कदम है। मुंबई में आतंकवादी हमला 2008 में हुआ था और आज 2012 में, पूरे लगभग 4 साल के बाद हम अंतिम सजा दे पाए। आज का दिन हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नए संकल्प को दोहराने का है और भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार से और कांग्रेस से यह अपेक्षा करेगी कि इस पूरी लड़ाई में एक नए संकल्प को दिखाएं। अभी तक सिर्फ अजमल कसाब के खिलाफ ही कार्रवाई हो सकी क्योंकि उस समय मुंबई पुलिस के कुछ बहादुर जवानों की बहादुरी और शहादत के कारण उसे पकड़ा गया था। सारे हैंडलर्स पाकिस्तान में हैं, दर्जनों डॉसियर हम दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई सार्थक कार्रवाई आज तक नहीं कर पाया। हमें समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अच्छे रिश्तों के हम भी पक्षधर हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करेगा, जो 6 जनवरी 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच के समझौते का सार है, तब तक रिश्ते बहुत नॉर्मल। प्रक्रिया हुई और राष्ट्रपति महोदय ने तुरंत उस पर निर्णय दिया और ये देरी से सही एक अच्छी खबर है। लेकिन जिसने संसद पर हमला किया वो अफजल का अभी क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी फांसी पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले सरकार बता रही थी कि वो कतार में होता है, लेकिन अब साफ हो गया अब्दुल कसाब के कारण कि कोई कतार भीतर नहीं होती और आतंकवादियों को काहे की कतार।
उनको जिन्होंने आतंकवादी हमले किए हैं, जिन्होंने आतंक के कारण जिनको फांसी लगी है, उनको और दूसरे लोगों को फर्क करना चाहिए। और इसलिए आज जो कसाब की फांसी हुई है, ये देश की पूरी मांग थी और सरकार चुस्ती दिखा सकती है, ये साबित हो गया। तो सुना आपने कि कसाब की फांसी किस किस को रास आई है, और आए भी क्यों ना, देश के आतंक को ये सबसे बड़ी राहत की जो खबर मिली है। और आखिर कब तक गुनाह करने वाले न्याय की चादर में अपने आप को छुपाते फिरेंगे? जरा सोचिए उन परिवार वालों को जिन्होंने मुंबई हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया था। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन एक्स कसाब हैंग में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कही जाइएगा मत, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं।